एक ये बहन बच्ची ने कहा कि इनकी अम्मी हैं, 60 बरस की हैं तकरीबन, कोई औरत अपने शोहर के साथ जा रही है तो ये इनकी वालदा क्या उनके साथ जा सकती हैं? देखें, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के लिए वाज़ह तौर पे इरशाद फरमाया कि कोई भी औरत महरम के बग़ैर या शोहर के बग़ैर 3 दिन की मुसाफत का सफ़र तय ना करे, और उसके बारे में ये फरमाया कि वो औरत जो अल्लाह तबारक व ताला और उखरवी दिन पर ईमान रखती है। गोया कि सरकार ने सख्ती के साथ इससे मना फरमा दिया है, लेकिन फुकहा ने वाज़ह तौर पे लिखा है कि बहुत ही बूढ़ी औरत जो देखने में बिल्कुल जाज़िब नज़र ना हो, ज़ईफ़ा हो, वो बहुत सारे शरई अहकाम से इस्तिस्ना हासिल कर लेती है। जिसे साहिब हिदायत ख़ुद लिखते हैं कि बहुत बूढ़ी औरत को देखना भी जायज़, हत्ता कि उससे मुसाफ़ा करना भी जायज़। तो ये हो सकता है कि अगर आपकी वालिदा बहुत ज़्यादा बूढ़ी हैं, 65-70 साल की हैं, जाज़बियत भी उनमें नहीं है और देखने में वाकई बूढ़ी महसूस होती हैं, बाज़ बहनें एक्सरसाइज़ के ज़रिए अपनी उम्र से 25 साल 30 साल कम नज़र आती हैं, और बाज़ कम नज़र नहीं आती लेकिन फिर भी उम्र कम बताती हैं, वो 16 साल से आगे नहीं बढ़ती हैं, 20 साल से आगे नहीं बढ़ती हैं, उन पर भी हैरत है। तो बहरहाल, तो ये बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई बहुत ही बूढ़ी खातून होती हैं और उनमें जाज़बियत बिल्कुल नहीं होती है और उनको कुछ संभालने वाला होता है, तो उनके लिए ये गुंजाइश निकल सकती है कि अगर कोई संभालने वाला है तो वह बग़ैर महरम के भी सफ़र तय कर सकें, क्योंकि अब सफ़र बड़े पुरअमन है। लेकिन जो औरत जाज़िब नज़र है, कम उम्र है, वो बिल्कुल नहीं जा सकती है, जाएगी तो कदम कदम पर गुनाहगार होगी।